डीएम शिवाकांत द्विवेदी ने एसडीएम की लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई की, तहसील से हटाया, प्रथम दृष्टि पाए गए दोषी डाला प्रतीक्षा सूची में। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं एसडीएम साहब कैसे एक फरियादी को मुर्गा बनाए हुए हैं। आरोप था जमीन पर कब्जे की शिकायत करने गए थे कुछ ग्रामीण, शिकायत पर एसडीएम को आया गुस्सा, बना डाला मुर्गा, प्रार्थना पत्र फेंका, जमकर किया भद्रता, गांव में नहीं है कोई शमशान भूमि, उसकी मांग करने गया था पीड़ित। एसडीएम के प्रति ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश, प्रदर्शन कार्रवाई की मांग। मंडनपुर गांव में वह शमशान भूमि की जमीन पर कब्जे की शिकायत लेकर गए थे ग्रामीण, तहसील मीरगंज में एसडीएम ऑफिस का है मामला। बरेली से ब्यूरो रिपोर्ट विशाल। क्या नाम है आपका? मेरा साहब पप्पू नाम है, पिताजी का नाम राम स्वरूप है। मैं शमशान भूमि के बारे में आया हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम मंडनपुर, तहसील मीरगंज, जिला बरेली का रहने वाला हूँ। क्या शिकायत लेके आए थे? मैं साहब आज तक बुजुर्गों से लेते, अब तक मेरी इतनी उम्र है, 42 साल की उम्र है, लेकिन आज तक शमशान भूमि के बारे में आया हूँ मैं। शमशान भूमि ग्राम मंडनपुर में, तहसील मीरगंज में नहीं है। मैंने प्रमाण पत्र दिया था एसडीएम साहब के लिए, एसडीएम साहब ने मुझे मुर्गा बना दिया गया। मुर्गा बनाने के बाद मैंने कहा साहब मुर्गा क्यों बना रहा है, गाली गलौज देने लगे। मैंने कहा साहब ये तो मैं 2 बार आपके ढाने आ चुका हूँ, 3री बार आया हूँ, मुझे न्याय नहीं मिला है। न्याय जब तक नहीं मिलेगा जब तक मैं मुर्गा बनने से नहीं हटूँगा। तो कहने लगे सालों तुम नाटकें करते हो, और नाटक करने के बाद सर मैंने कहा सर ये तो नाटक नहीं कर रहे हैं, हम अपना न्याय मांगने आए हैं। हमारे ग्राम मंडनपुर में नहीं शमशान भूमि है, और शमशान भूमि हमें दी जाए। तो कहते हैं सालो तुम नाटक करने को ऐसे नाटक करते रहो। उन्होंने हमारी प्रमाण पत्र फेर दिया गया दिया। तो शमशान भूमि की जगह है तुम्हारी वहाँ? जी मेरे मेरे पास भी, मैंने खतौनी लगा रखी है, मैंने खतौनी के आधार पर उनको प्रमाण पत्र दिया है, उसमें लिखा हुआ है कि कब्रस्तान और मरघट शमशान भूमि का रकबा है। मैंने कहा साहब अगर वो कहते हैं कि कब्रस्तान दर्ज है, शमशान भूमि नहीं है। मैं कहता हूँ साहब अगर शमशान भूमि नहीं है और मरघट नहीं है तो इसमें दर्ज क्यों किए गए? तो कहते हैं ये दर्ज किए गए हैं, ये तो पहले ही से दर्ज है, इसमें आपका कोई रोल नहीं है, आपको न्याय नहीं मिलेगा, आप जहाँ मर्जी चाहे हूँ जाइए। मुझसे बोले तू साले ज्यादा नेता बनता है, तू मुर्गा बन। एसडीएम साहब तहसील मीरगंज के। आज एक वीडियो मेरे संज्ञान में आया जिसमें उपजिलाधिकारी श्री उदित पवार के कार्यालय कक्ष में एक व्यक्ति को अपमानजनक स्थिति में जमीन पर बैठाया गया है। इसकी जांच कराई गई तो श्री उदित पवार उप जिलाधिकारी मीरगंज की प्रथम दृष्टया लापरवाही पाई गई, इसलिए उनको तत्काल मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है और नए उप जिलाधिकारी श्री देश दीपक सिंह को उप जिलाधिकारी मीरगंज के रूप में तैनात कर दिया गया है।